क्या नाम है आपका? कुमारी उमा भारती। अच्छा, आप क्यों नहीं जा सकी, आपकी जो पूरी टीम है वो क्यों नहीं जा सकी उस राज्य स्तरीय खेल? इसलिए नहीं जा चुकी जो कि स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने मना कर दिया था कि अगर पीटीआई जो महिला होगी आपके साथ वो ही जाएंगी, तो लड़कियां जाएंगी अन्यथा नहीं जाएंगी। और इसकी वजह हमने हैंडबॉल की वजह हमने अपना कारोबार भी छोड़ा था और पढ़ाई में थोड़ा डिफेंस भी किया था, इसलिए हमको जाने के लिए स्तर पर भी जाने थे, वहाँ पर से मना कर दिया था। अच्छा, जैसे अभी आप लोग नहीं जा सकी हैं, आज आखिरी दिन था और अब जो है आज वो प्रतियोगिता भी समाप्त हो जाएगी, तो आप इसके लिए आगे से आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए किसी से आपने गुहार लगाई है कि आपकी मदद हो सके? हाँ, हो सकती है। किससे गुहार लगाई, किससे अपनी समस्याएं कही हैं आपने? सीएम साहब से। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से आपने कहा है? हाँ। अच्छा, आपके परिवार के साथ का है कोई यहाँ पे? हाँ है, भाई हैं। अच्छा, आप हैं? क्या 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 जो है आपने क्या शिकायत की है सीएम? सीएम साहब से शिकायत की है कि आगे के लिए या तो ये खेल ही बंद कर दिया जाए इसको स्कूल से, अन्यथा ये बराबर जारी रखा जाए, पीटीआई टीचर की सुविधा की जाए और इन लोगों की ज़िंदगी का सवाल था जो कुछ बन सकती थी ये उससे वंचित हो। खेल कूद के जरिए अपना भविष्य संवारने में लगी ये बेटियाँ आज भले वंचित रह गई हूँ खेलकूद प्रतियोगिता से, लेकिन सीएम से शिकायत करने के बाद इनमें एक आस जगी है कि आने वाले समय में इनको फिर एक बार मौका मिलेगा। वीरेन पांडे, ईटीवी भारत।